हेलो मेरी पल्टन M1887 पुशिंग इंडिया सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में वेपन ग्लोरी पुशिंग करके हम लोग अपनी स्टेट दिल्ली में टॉप 33 पे आ चुके थे। खैर हम लोग इंडिया के लिए पुशिंग कर रहे हैं, तो आज किस एपिसोड में हम लोग कोशिश करेंगे अपनी पोजीशन को और ऊपर तक लेके जाने की। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सारे भाई लोग वीडियो को लाइक करके कॉमेंट कर देना, बिकॉज इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज यार याद से कर देना। बढ़ते सीधा गेम प्ले की तरफ बिना किसी देरी के। अब ये इस एपिसोड का पहला गेम प्ले था एंड मैं खेल रहा था स्कोर्ड एंड हमारा गेम लगा था बरमूडा में एंड मेरे सामने यहाँ पर एक एनिमी है। वेट इसको मारते 200 यहाँ पर दिया तो है, बाकी डैमेज है बंदा यहाँ पर। एंड भाई इतने रिकॉइल क्यों कर रही है, नहीं बंदा काफी ज्यादा मूवमेंट भी कर रहा है। बाकी यार एक शॉट और देख इसको डाउन ही कर देता हूँ। इस बंदे को फिनिश करने के बाद यहाँ पर हमें और एनिमीज तो मिलते नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। एंड ऐसे करते करते यहाँ पर लास्ट जोन भी बनने ही वाला था एंड मेरे एक एक करके सारे टीममेट यहाँ पर फिनिश हो चुके थे। एंड मेरे पास यहाँ पर ग्लू बॉल्स भी फिनिश हो गए थे एंड मेरे पास यहाँ पर एचपी भी काफी कम था, इसलिए मैं प्रोन होकर यहाँ पर फटाफट से सुपर मैडी यहाँ पर लगा लेता हूँ। एंड मैडी लगाते यहाँ पर मैं सीधा ऊपर के साइड जाता हूँ एंड चलो फिर फटाफट से ग्लू बॉल भी रीजनरेट यहाँ पर मेरे पास हो चुका है। एंड सामने से एक मॉन्स्टर ट्रक वाला आ चुका है, बाकी इसने मुझे देख लिया है, बट ये बंदा एक बार मॉन्स्टर ट्रक से उतरेगा नहीं मेरे को पता है। एंड मैं अपनी स्क्वाड से भी सोलो सर्वाइवर बचाऊं एंड अभी टॉप 5 बंदे ही बचे, बाकी सामने एक बंदा वेट इसको मारते हैं, बिकॉज शॉर्ट गन ग्लोरी भी तो करनी है। एंड थोड़ा डैमेज देने के बाद इस एनिमी को भी इजीली फिनिश कर देता हूं एंड इसकी डेड बॉडी में से मेरे को काफी अच्छी खासी लूट मिल जाती है। एंड नाउ यहां पर मेरे सामने 1v2 की सिचुएशन है एंड सामने वाला बंदा यहां पर मेरे पे ग्रेनेड भी फेंक रहा था। उसके बाद मैं यहां पर नीचे आता हूं इस टावर पे, यहां पर आके पोजीशन ले लेता हूं एंड सबसे पहले उन दोनों एनिमीज को स्पॉट करने की कोशिश करता हूं। एंड थोड़ी देर बाद एक बंदा मेरे को यहां पर स्पॉट हो जाता है जो कि मॉन्स्टर ट्रक पे था एंड जिसको मैं एक हेड भी कनेक्ट करता हूँ, जिसकी गाड़ी भी फोड़ देता हूँ। बाकी इस पर भी मैं रश करने वाला हूँ एंड चलो फिर फटाफट से उसको फिनिश करते हैं। एंड मेरे को सारे सोलो सोलो बंदे ही बचे हुए हैं, बाकी एक किल करना मेरे को शॉर्ट गन से मेरे को पूरी वेपन ग्लोरी मिल जाएगी आई थिंक सो। बाकी ये एनिमी किधर है, ओके ये रहा बंदा एंड थोड़ा सा डैमेज दिया यहाँ पर, 200 और बंदा हो चुका फिनिश यहाँ पर। सुरेश FF नाम था, चलो इसका किल तो मुझे मिल चुका है एंड यहाँ से मेरे को और अच्छी खासी लूट भी मिल चुकी है। बाकी मेरे पास लॉन्ग रेंज गन में एमो नहीं है, बाकी मेरे पास स्किल ब्लॉक भी हो चुका है एंड लास्ट का भी एक ही बंदा बचा हुआ गाइस। क्या लगता है आपको, हम लोग इसको मार के बुया ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, चलो आप लोग कॉमेंट बताओ। अब मुझे तो लग रहा था कि मैं इस गेम को इजिली बुया कर लूंगा एंड ये मेरा पहला ही गेम था इस एपिसोड का, तो बुया भी करना है। बाकी देखते हैं भाई, सामने ही एनिमी स्पॉट भी हो चुका है, बाकी शॉटगन की वेपन ग्लोरी तो हमको मिल ही चुकी है एंड इस पर रस्सी करते हम लोग सीधा। बाकी वेट यहाँ पर एंड बंदा जैसे निकलेगा भाई मैं सोचा था मार दूंगा, बट मेरे साथ उल्टा ही हो जाता है, इस बंदे ने मेरे को मार दिया, मैंने इसको काफी ज्यादा हल्के में ले लिया था। खैर कोई नहीं, गेम को बैक मारते हैं, हम लोग अपना प्लस देखते हैं भाई। 98 का वेपन ग्लोरी प्लस मिला हमको, 2 का प्लस नहीं मिला। चलो नेक्स्ट गेम में चलते हैं। यहाँ पर अपने अपने टीममेट को रिवाइव करके मैं जोन में जा ही रहा था, एक बंदा मुझे सामने स्पॉट होता है एंड इसको मैं बाइक से ठोक देता हूँ। ये बंदा जैसे उठता है यहाँ पर अपने आप को ग्लू वॉल से पैक कर लेता है। बाकी यहाँ पर मेरे को अकेला ही बंदा दिख रहा था, सोचा था इसका किल ले लूंगा। बाकी चलो इसे ग्लू वॉल यहाँ पर ब्रेक करते हैं, जैसे ग्लू वॉल टूटती है एक शॉट और बंदा होता है सीधा नॉक एंड इसको यहाँ पर नीचे जा चुका, बाकी इसका किल तो मुझे मिल ही जाएगा एंड फटाफट से यहाँ पर सीधा हम लोग जोन की तरफ निकलते हैं। तो बाइक लेके मैं सीधा जोन की तरफ जाने लग जाता हूँ, मेरे को काफी देर तक कोई भी एनिमी स्पॉट नहीं होता एंड ऐसे करते करते मैं सीधा लास्ट जोन पहुंच जाता हूँ एंड मेरे 5 किल तो हो चुके थे एंड लास्ट के 5 ही बंदे अलाइव है एंड इस गेम को हमें बुया भी करना है। मेरा टीममेट यहाँ पर एक अलाइव है, उसके पास यहाँ पर एनिमी है, तो चलो फिर फटाफट कवर देन चलते हैं। एंड यहाँ पर एनिमी था जिसको मैंने गाड़ी से ठोक दिया, नॉक तो कर दिया मैंने इसको एंड एक बंदा रिवाइव कर रहा, वेट इसको भी मारते और भाई जम करके इसको भी नॉक कर दिया। भाई ये देखो भाई लोग बुया ही हो गया। बाकी फर्स्ट गेम हमारा #2 गया था एंड सेकंड गेम में हम लोगों ने कम बैक करके ओपी वाला बुया 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 किया है एंड इस गेम में भी हमको फुल प्लस मिल चुकी है 2 गोली की। नेक्स्ट गेम में हम लोग यहाँ पर ब्लू जोन पूछ रहे थे, यहाँ पर मुझे 2 गोली के साथ साथ एक बंदा भी मिल जाता है यार। बाकी इस बंदे को हम लोग फटाफट से मारते हैं, ग्लू बॉल तोड़ते हैं एंड भाई बंदा जैसे ही मेरे को ओपन में दिखता है इसको इजीली फिनिश कर दिया मैंने एंड मेरे को शॉटगन से अपना पहला किल भी मिल चुका है। बाकी मेरा टीममेट ऊपर फाइट ले रहा था, वो चलो ये डाउन हो चुका, मैं इसको कवर देने चलता हूँ एंड बोल रहा था ये बंदा काफ़ी ज़्यादा डैमेज है तो फटाफट इसको मारते हैं एंड थोड़ा सा डैमेज जरूर दिया मैंने, मूवमेंट दिखाएंगे और ये देखो भाई नॉक ही कर दिया मैंने थोड़ा मूवमेंट दिखाने पे एंड फटाफट से क्लियर लेते हैं अपने टीममेट को भी रिवाइव दे देते हैं। अब स्टार्टिंग में 2 किल निकालने के बाद हम लोग यहाँ पर लास्ट जोन में जा रहे थे एंड जोन में जाते जाते यहाँ पर एक बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है और मैं यहाँ पर अकेला था एंड मैं फाइट करते करते यहाँ पर डाउन हो जाता हूँ। बाकी इसके बाद तो मुझे शॉटगन मिलती नहीं है पूरे गेम में, बाकी इस गेम में आप लोग देख सकते हो 60 का प्लस मिला है। तो नेक्स्ट गेम में यहाँ पर मैं ब्लू जोन पर उतरा था एंड मुझे शॉटगन भी मिल चुकी थी, बट ब्लू जोन में कोई और एनिमी यहाँ पर उतरा नहीं था इसलिए हम लोग फटाफट से लूट कर रहे थे एंड लूट हमारी जैसी कंप्लीट होती है हम लोग एनिमी के त्रास में चले
चले जाते हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हो मेरे दो टीममेट यहाँ पर फिनिश हो चुके थे, तो इनको मैं रिवाइव करने जाता हूँ। एंड भाई एक बंदा वेंडिंग पे ही दिख जाता है, जिसको मैं दो शॉट मारता हूँ, इजिली डाउन कर देता हूँ। एंड फटाफट से अपने टीममेट को रिवाइव देते हैं, इसको फटाफट से क्लियर भी कर लेता हूँ मैं। अब जोन भी आगे बढ़ रहा था, तो धन्नो उठाते हैं अपनी एंड सीधा जोन में ही निकलते हैं। एंड जोन में आने के बाद इस घर में मैं काफी देर होल्ड करता हूँ। नीचे से एक बंदा स्पॉट होता है जो कि मेरे पास फ्लैश फ्रिज फेंक के सीधा रश करता है, जिसको मैं दो शॉट मारता हूँ। एंड थोड़ा सा यहाँ पर और रिलोड करने के बाद दो शॉट मार के इसको इजीली डाउन करके क्लियर भी कर देता हूँ। एंड शॉट गन से मेरे को अपना सेकंड किल भी मिल चुका था। बाकी यहाँ पर ग्लूवल मेल्टर से मेरी ग्लूवल तो हट चुकी है। नीचे से एक बंदा रश भी कर रहा है, इसको भी दो शॉट मारा, एक और शॉट और बंदे का सोनी एक्टिवेट हो गया। बाकी मेरे पास FGL है, तो फटाफट से FGL भी डाल देते हैं। एंड भाई शॉट गन का किल मिल जाता तो सही रहता, बाकी ये बंदा FGL से ही फिनिश हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, इसको फटाफट हम लोग क्लियर भी ले लेते हैं। एंड इसको हम लोगों ने फटाफट क्लियर कर लिया। एंड लूट भी मेरे को यहाँ से काफ़ी अच्छी मिल चुकी है। एंड लूट कर ही जाते इतने में एक और एनिमी आ जाता है। फटाफट सेंटिनो यहाँ पर यूज़ करके बाहर निकलते हैं। एंड भाई ये देखो, नीचे तो भाई पूरी तैयारी करके बैठे थे भाई, लैंड में नहीं लगा रखी थी। बाकी फटाफट से जोन भी जाना पड़ेगा हमको, बाकी इतने में ये बंदा पीछे से डैमेज देने लग जाता है। इसको हम लोग डैमेज देने कोशिश करते हैं तो ग्लूवल ब्रेक हो जाती है। सेंटिनो को यूज़ करके वापस इसी जगह पर आता हूँ। इस बंदे को पता ही नहीं हमारी लोकेशन। और ये देखो भाई, इसके साथ मतलब बस स्कैम हो गया भाई लोग। एंड इसका किल भी मेरे को मिल चुका है। बाकी यहाँ से मैं सीधा जोन में जा रहा था, बट एक एनिमी मेरे को स्पॉट होता है, जिसको मैं बॉडी और हेड दोनों ही मार देता हूँ। बट ये बंदा पता नहीं कैसे बच जाता है। एंड भाई ये बंदा जोन में डाउन हो जाता है, एंड इसका किल मुझे मिल जाता है। फटाफट इसको मैं क्लियर लेता हूँ एंड सीधा जोन की तरफ बढ़ता हूँ। अब जोन जाना था, इसलिए मैंने अपना सेंटिनो को एक्टिवेट करा एंड कवर में आके सुपर मेडी यहाँ पर लगा ली। एंड उसके बाद सेंटिनो को वापस यूज़ करके मैं जोन में आ चुका था यहाँ पर। अब जोन से तो बाहर मैं जैसे तैसे करके आ चुका था। एंड यहाँ पर मैं लॉन्च पैड लगाता हूँ एंड इसको ऊपर भी आ जाता हूँ। एंड यहाँ पर एक भाई सरप्राइजली मेरे को एक एनिमी दिखता है, जो कि रिवाइव भी होके आया था। इसको दो शॉट मारता और बंदा हो चुका डाउन। एंड फटाफट इसको क्लियर भी ले लेते हैं हम लोग। एंड 7 के लिए यहाँ पर हमारे हो चुके हैं। अब जोन आ चुका था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट नीचे कूद जाते हैं और इनसे फाइट करते करते यहाँ पर मैं मर जाता हूँ। बाकी इस गेम के बाद हमें इस वेपन ग्लोरी तो फुल प्लस मिल चुकी थी 2 गोली में। एंड नेक्स्ट गेम में मेरे सारे टीममेट्स यहाँ पर ऑफलाइन चले गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर डुओ ही स्टार्ट कर दिया स्मोके के साथ। बाकी ये डुओ गेम प्ले रहने वाला है। मैं यहाँ पर सेंटिनो यूज कर रहा हूँ, बाकी सामने यहाँ पर एनिमीज है। बाकी चलते, ये देखो भाई लूट कर रहा है भाई चच्चा यहाँ पर। बाकी इसको डैमेज देने का कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पर दूसरा टीममेट भी इसका यही पर है, 200 तो मार दे, बट स्काइलर यूज़ किया, इसलिए मैं फटाफट से टेलीपोर्ट होकर पीछे आता हूँ। एंड इतने में स्मोक ही रस करके उसको डाउन कर देता है। एंड वो बंदा भी थोड़ा सा डैमेज था, इसलिए मैं उसको 200 मारता हूँ। और ये देखो टीम वाइप आउट हो जाती है यहाँ पर। एंड यहाँ पर हम लोग अच्छे से लूट वूट करते हैं। एंड यहाँ पर हमें और एनिमीज दिखते नहीं, इसलिए हम लोग फटाफट से मॉन्स्टर ट्रक को मंगा के आगे की तरफ जा रहे थे बंदों की तलाश में। यहाँ पर ये देखो आर्सेनल के पास यहाँ पर फाइट ही चल रही है भाई दो डुओ में। तो फटाफट हम लोग अपने गाड़ी से उतरते हैं एंड इसको मारने लग जाता हूँ मैं। एंड ये बंदा आर्सेनल में जाके अपने को पैक कर लेता है, बट ग्लूबल टूटती है, 200 और देता हूँ एंड फिर से रिलोड करके दे देता हूँ। एंड ये बंदे को नॉक करके हम लोग फटाफट से क्लियर लेते हैं। एंड जो मेरा टीममेट बाहर था वो भी उस एनिमी को फिनिश कर देता है। बाकी फटाफट से हम लोग बाहर चलते हैं। मॉन्स्टर ट्रक से हम लोग बैठ जाते हैं, एयर ड्रॉप को लूट करने के बाद हम लोग वापस से बंदों की तलाश में आगे बढ़ने लग जाते हैं। बट हम लोग फुल एग्रेशन में खेल रहे थे, मतलब पूरा किल करके खेल रहे थे, फुल रश करके। इसी बीच मेरा टीममेट यहाँ पर थर्ड पार्टी का शिकार बन जाता है एंड वो डाउन हो जाता है। बाकी हम लोग फुल रश कर खेल रहे थे, तो यार थर्ड पार्टी तो ऑब्वियसली आपको पता है यार होती कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ पर मैं उसको फटाफट से रिवाइव देने आता हूँ यहाँ पर। एंड इसको फटाफट से रिवाइव देते हैं, अपना सेंटिनो यहाँ पर टेलीपोर्ट करके वापस से गाड़ी में बैठ जाते हैं। उन एनिमीज को तो पता भी नहीं चल रहा हो, रिवाइव करके मैं गाड़ी में बैठ भी गया। खैर यहाँ पर मैं थोड़ा आगे आता हूँ एक बंदे को मारने के लिए। जैसे उतरता हूँ ये देखो और ये नहीं लगा लिया इसने, 200 मारता उसको काफ़ी डैमेज दिया, बट इस एनिमी ने मेरे को काफ़ी डैमेज दे दिया था। फटाफट से अपने आपको पैक करके सुपर मेडी से हील करता हूँ। एंड हील करके मैं सोचता हूँ जैसे ही बाहर निकलूंगा इतने में ग्रेनेड ही आ जाते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा डैमेज हो चुका था। एंड ये देखो एनिमी ये रहा, एंड इसने मेरे को वापस से कितना ज़्यादा डैमेज दे दिया था। MHP काफ़ी ज़्यादा लो थी मेरी, इसलिए भाई मैं थोड़ा हीलर मार के हीलिंग कर रहा था। इतने में बंदे भाई मेल्टर FGL पता नहीं क्या क्या थ्रो करने लग जाते हैं। बाकी यहाँ पर सेंटिनो का यूज़ करता हूँ मैं। एंड भाई इतने सारे ग्रेनेड आ रहे थे ना, तो मैं सीधा रस ही कर देता हूँ, बिकॉज एक ही ग्लोबल बची थी। बट इसका किल मुझे मिल जाता है एंड मैं तो यहाँ पर नॉक हो जाता हूँ। अब इस टाइम पे मेरे टीममेट्स के पास ग्लोबल भी खत्म हो गई थी एंड वो गाड़ी लेके भागने का सोचता है, बट उसको भी गाड़ी जला के उसको फिनिश कर देते हैं। खैर वेपन ग्लोरी तो हमको पूरी प्लस मिल गई थी। एंड नेक्स्ट गेम में हम लोगों ने यहाँ पर हिट लिस्ट लिया था, बट हमें लोकेशन नहीं पता था, इसलिए मैं अपने टीममेट को रिवाइवल पे भेज देता हूँ। यहाँ पर मैं वेट करने लग जाता हूँ, बट मेरा टीममेट बोलता हूँ मेरे पीछे ही एनिमीज है, बाकी इनको मैं मारने के लिए जैसे ही दौड़ता हूँ। ये देखो भाई मेरे पे मकड़ी वाला कैरेक्टर ही छोड़ दिया इन लोगों ने, बाकी इनको मैंने डैमेज तो दिया है। और भाई जैसे बंदा भागने का सोचता है ये देखो
थोड़ा सा डैमेज देके इसको फिनिश ही कर देते हैं एंड टीम सीधा वाइप आउट यहाँ पर। अब डुओ खेल रहा था इसलिए मैंने मीसा हटा दिया था एंड एक बंदे ने मेरे को M249 मशीन गन से नॉक कर दिया था। अब मीसा नहीं था इसलिए मैं सीधा डायरेक्ट नॉक हो गया था एंड मेरा टीममेट वहां से जैसे तैसे बच के यहाँ पर मेरे को पोचिनो पाके सुपर रिवाइवल दे देता है। अब मैं अपने टीममेट को इस समय बोलता हूँ कि भाई वहीं पर आजा मेरी लूट पे, मेरे को शॉर्ट गन चाहिए। मैं जैसे अपने लूट पे आता हूँ मैं देखता हूँ कि पहले से यहाँ पर एनिमीज है। एक एनिमी तो यहाँ पर फैक्ट्री पे चला जाता है, मिनी लॉन्च पैड से एक एनिमी बचता है जो कि स्मोकी उससे फाइट करने लग जाता है। बट स्मोकी उसको काफ़ी डैमेज देता है, बट स्मोकी डाउन हो जाता है इसलिए मैं पीछे से आकर उसको नॉक कर देता हूँ। एंड भाई देखो, एक बार मेरा टीममेट बचा रहा है, एक बार मैं उसको बचा रहा हूँ। भाई रात में काफ़ी ज़्यादा हार्ड लो भी आ रही है, बचते बचाते जैसे तैसे करके हम लोगों ने इस गेम में 3 किल निकाल लिए थे। बाकी कवर में आते हैं, मेरे को अपने लूट के पास जाना था और ये बंदा बाइक पे था, बाकी सिंगल ही था इसलिए हमसे फाइट नहीं लेता, सीधा भाग जाता है। एंड ये वाली बाइक लेके मैं सीधा अपने लूट बॉक्स पे पहुंच जाता हूँ, बिकॉज मुझे अपनी 2 गोली चाहिए थी एंड 2 गोली से 2-3 किल करके मेरे को अपनी वेपन ग्लोरी प्लस करनी थी। बट ये एनिमी काफ़ी ज़्यादा चलाक था, ये बाइक लेके भाई मेरे पास ही आ रहा था मुझे फिनिश करने के लिए। बाकी इसके बाद ये एनिमी आता नहीं एंड भाग जाता है एंड 2 गोली लेके यहाँ पर मैं पोचिनोक पे आ जाता हूँ। एंड पोचिनोक पे एक बंदा स्पॉट होता है जो कि मेरे टीममेट से फाइट ले रहा था, इसको आते ही भाई डैमेज देता हूँ एंड रिलोड करके वापस डैमेज देके इसको नॉक करके फिनिश भी कर देता हूँ। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पर नीचे भी एक एनिमी आता है जिस पर मैं किल करने के लिए आता हूँ और इतने में ऊपर भाग जाता है ऊपर, इस पर मैं वापस से रस करता हूँ, 2 शॉट मारता हूँ, सीधा नॉक ही कर देता हूँ। CS अमित नाम था, इसको फटाफट से क्लियर भी ले लेता हूँ। वहाँ पर जोन आ चुका था, हम लोग इस साइड आते हैं। भाई भैया देखो, मेरा टीममेट यहाँ पर फाइट करते हुए किसी से डाउन हो जाता है, बाकी यहाँ पर मैं फुल रश करता हूँ बिकॉज हमें वेपन ग्लोरी तो पूरी प्लस मिल चुकी थी, तो मैं तो यहाँ पर सीधा वेपन ग्लोरी के लिए खेल रहा था। एंड ये देखो, सामने एक बंदा 2 शॉट मारा, लीडर FF डाउन हो चुका है जिसने मेरे टीममेट को मारा, बाकी एक और यहाँ पर इसका टीममेट बचा हुआ, वेट इसको मारेंगे हम लोग। एंड इसने पूरा का पूरा पैक कर लिया अपने आप को, बाकी मेरे पास फ्लैश फ्रीज है, फ्लैश फ्रीज फेंकते हैं एंड इसकी ग्लूवल तोड़ते हैं बिकॉज मेरे पास रैकिंग गैजेट है जिससे 40 का डैमेज पड़ेगा। एंड वो बंदा वापस से डाउन हो चुका है एंड इसका किल भी मेरे को आई थिंक सो मिल जाएगा यहाँ पर, बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया इनको मैंने। एंड भाई ये देखो, फ्लैश फ्रीज का मुझे किल भी मिल चुका है बट इसका टीममेट मुझे फिनिश कर देता है, बट इसको मैंने डैमेज दिया था, इसकी भी HP काफ़ी ज़्यादा लो थी एंड ये बंदा जोन में एलिमिनेट हो जाता है। ये तो वही बात हो गई, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। खैर गेम को बैक मारते हैं एंड देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, इस गेम में भी हमको पूरी प्लस मिल चुकी है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस मंडे को हमको यहाँ पर अपना टाइटल मिल चुका था। आप लोग देख सकते हो दिल्ली में टॉप 13 का टाइटल मिला एंड साउथ वेस्ट दिल्ली अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप 1 का टाइटल मिला। खैर अभी तो आप लोग देख सकते हो कौन सा डी है एंड इस डी आते आते हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में टॉप 2 पे आ चुके हैं एंड दिल्ली में 13 से 15 नंबर पे आ चुके हैं, यानी कि हमारा डीमोशन हो गया इधर। खैर यहाँ पर हम लोग पिछले कुछ दिन से थोड़ा कम खेल रहे थे एंड हम लोग कोशिश करेंगे बहुत ही जल्दी हम लोग दिल्ली में टॉप 10 पे आ जाए एंड इंडिया भी बहुत ही जल्दी लगा लेंगे एंड डिस्ट्रिक्ट में टॉप 1 भी आ जाएंगे। अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे आप लोग नए आ रहे तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम लोग आपसे मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय।